हाय फूडीज, वेलकम टू कुक विद दीपिका। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 12 कुछ ऐसे कुकिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे आपके रसोई का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दूध को उबालने से पहले भगोने या फिर पैन में थोड़ा सा पानी डाल दें। ऐसा करने से दूध बर्तन की तली में नहीं चिपकेगा। मीठा बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो भारी तले के बर्तन इस्तेमाल करें। इससे डिज़र्ट भी आपका स्वादिष्ट बनेगा और बर्तन जलने से भी बच जाएगा। किशमिश को एयरटाइट डिब्बे में बंद कर उसे फ्रिज में रखने से यह ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहेंगे। जब इन्हें इस्तेमाल करना हो तब इन पर गर्म पानी डालें और किचन टॉवल से सुखा दें। दाल में एक चुटकी पिसी हल्दी और मूंगफली के तेल की कुछ बूंदें डाल के पकाएं। दाल को जल्दी पकाने का ये सबसे बेहतर उपाय है। बादाम को अगर 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दें तो उसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। यदि आप रात को छोला या राजमा भिगोना भूल जाते हैं तो उबालते पानी में चना या फिर राजमे को भिगोएं। इसे आप 1 घंटे के बाद पका सकते हैं। सख्त नींबू को अगर गर्म पानी में कुछ देर के लिए रख दिया जाए तो उसमें से आसानी से अधिक रस निकल जाता है। आप चाहें तो नींबू को थोड़ा सा हाथों से फ्लैट करके घुमा लें और उसके बाद भी अगर आप नींबू का रस निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा निकलता है। मेथी की कड़वाहट हटाने के लिए थोड़ा सा नमक डालकर इसे थोड़ी देर के लिए अलग रख दें। लहसुन को हल्का सा गर्म करने से उसका छिलका आसानी से उतर जाता है। इसे गर्म करने के लिए आप तवे का या फिर माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च के डंठल को तोड़कर मिर्च को अगर फ्रिज में रखा जाए तो मिर्च जल्दी ख़राब नहीं होती। हरी मटर को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दें। कटे हुए सेब पर नींबू का रस लगाने से सेब काला नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ आसान से टिप्स। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली रसोई में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।